जिन लोगों को किसी भी तरीके का ऐसा लग रहा है कि बात सीए एनआरसी पे नहीं हो रही है, तो वो प्लीज़ रुक के सवाल जवाब भी होगा शायद इसके बाद, और मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा इसके बाद, और फिर हम सवाल जो है ले सकते हैं। जो भी लग रहा है बिल्कुल बेहिचक उससे पूछिएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे रिहैब सेंटर की, डिटेंशन सेंटर की, कि किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो सर्टिफिकेट नहीं देने वाला है ताकि डिटेंशन सेंटर्स में इन समुदाय के लोगों को भरा जाए। अब सबसे बड़ा सवाल जो मुझे लगता है इस मंच से बार बार बोला गया है और हर जगह जहाँ भी नया शाहीन बाग बना है वहाँ से ये सवाल पूछा गया है कि जिस देश का पासपोर्ट आपके पास है आपसे उस देश की नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, कि आपके पास हर वो कागजात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो होना चाहिए और उसके बाद आपको प्रूव करना है कि आप इस देश के नागरिक हो या नहीं हो। और यही बहुत ज़रूरत है समझने की, और क्यों मैं पूरा जो है ट्रांस बिल का एक्ट का भी इतिहास बताया कि क्या था, क्योंकि सरकारों को काम करने के लिए हमेशा उस एक जो नॉर्मल नहीं है उसकी ज़रूरत होती है। तो आज इस फांसीवादी हिंदुत्व की राजनीति में वो जो नॉर्मल नहीं है वो मुसलमान बन गया है, उस ब्राह्मणवादी राजनीति में वो जो नॉर्मल नहीं है वो दलित है, और इस बड़े स्टेट के जो लिंग के बीच में जो दो डब्बे बने हैं जो वो उसके लिए जो अदर होगा जो नॉर्मल नहीं होगा वो इस ट्रांसक्वेयर कम्युनिटी समुदाय के लोग, और इन 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 डब्बों के अलावा, इन डब्बों के बिना सरकारें चल ही नहीं सकती। और यही एक बहुत पेचीदा जो है समझ है वो बना, क्योंकि ये किसी भी तरीके के साम्राज्य में ऐसा डब्बा, ऐसा अदर, ऐसा जो नॉर्मल नहीं है वो कभी नहीं था। वो सिर्फ एक पश्चिमी चिकित्सा के तहत जब अंग्रेज़ भारत आ रहे हैं और जब इस तरीके के आधुनिक अस्पताल और आधुनिक डॉक्टर हमारे लिए बिल्कुल ठीक डॉक्टर बन गए हैं कि कुछ भी होता है और हम जाके दवाई ले लेते हैं उनसे, तब जो है ये सारी समझ जो है समाज में बैठी जा रही है। और समाज का पार्ट, क्योंकि मैं बताया, परिवार भी है बहुत हद तक, तो उन हर जगह से, मैं हरियाणा से आता हूँ साथियों, वहाँ आज भी अगर आप जाएंगे तो कुछ तबकों में, कुछ जगहों पर आपको खाप पंचायत जो एक सरकार जो चलाते हैं जाट समुदाय के लोग, आपको वो मिलेगी जिनका एक ही काम है उस पूरे पंचायत में चलाना कि बस आदमी का जोर बना रहे। और ऐसी ऐसी जो सामाजिक समझ जो बनती जा रही है और इन सोचों को जो है इस हिंदुत्व फांसीवाद ने पकड़ा है कि हमें ये सारी चीज़ें बचा के रखनी हैं, क्योंकि ना कोई दलित बोले, ना कोई महिला बोले, ना कोई ट्रांस बोले, ना आदिवासी बोले, क्योंकि आवाज़ में बहुत दम है कि आज शाहीन बाग के लिए, शाहीन बाग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी शाहीन बाग जैसे सिट इन हो रहे हैं लोग बैठे, और क्योंकि इन आवाज़ों में दम है तो सरकार डरती है। तो ये जो भी यहाँ ढकोसला खेला गया है चंद कुछ दिनों में पिछले, जब एक एक करके कोई मारने आ रहा है, फिर पांच लोग करके मारने आ रहे हैं, फिर बंदूकें तक चल गई, ये सारा ही उस समाज के उस ढांचे में जो दरार शाहीन बाग बना रहा है उससे डर। तो डर सिर्फ समाज को नहीं या सिर्फ देश को नहीं, हर उन परिवारों को भी है जो इस तरीके के सोच से आते हैं जिनको ये सारी चीज़ें बचा कर रखनी है, और वो खुशी खुशी बोल देंगे कि अगर मुसलमानों को भेजा जा रहा है कहीं बाहर तो फिर हम दिखा देंगे चार साथ। लेकिन बात वहाँ बंद नहीं होती हुआ, अभी हम जब आए थे तो हम बात कर रहे थे एक साथी से कि किस तरीके से जो साउथ की स्टेट है उनकी हमेशा से एक थ्योरी चली आई है कि हम तो यहीं के थे ताकि ऊपर के सब लोग बाहर से आए। तो ये हर उस थ्योरी को नकारने की कोशिश है कि क्योंकि अगर आप किसी भी साउथ इंडियन को सिटीजनशिप के तहत मिलेगी तो वो जो मूल निवासी थ्योरी है उनकी वो बिल्कुल नलीफाई हो जाएगी कि नहीं,
क्योंकि तुम्हें तो तुम तो सीए के थ्रू सिटीजन, तो सिर्फ एक समुदाय का मुद्दा नहीं है जो कि मैंने खुद शाहीनबाग से जाना है, अनेकों समुदाय, अनेकों व्यक्तित्वों को बचाने की ये लड़ाई है, क्योंकि कानून सिर्फ नागरिकता को जो है अटैक नहीं कर रहा, कानून सिर्फ नागरिकता नहीं छीन रहा, कानून आपके व्यक्तित्व पर भी सवाल कर रहा है कि क्या आप भारत का नागरिक बन भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि भारत जो है एक नया मोड़ ले लिया है जिसमें एक हिंदुत्ववादी, एक ब्राह्मणवादी सरकार जो कि एक तरीके का ऑर्डर चाहती है समाज में, कि इसी तरीके का ढांचा बना रहे और उसको बचा के रखना है, तो उन सभी चीज़ों में हर बार आप ये देखिए कि एनआरसी तो एक बड़ा सीधा अटैक है नागरिकता पर, लेकिन जितने जो कानून नए नए आ रहे हैं दर बर दर, अभी अगला कानून शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर होगा जिसमें सिर्फ हिंदू कोड लग जाएगा हर जगह, और किसी के पास कुछ कहने को होगा नहीं क्योंकि एक सरकार सुनने को राजी नहीं है और ऑपोजिशन भी दिन पर दिन ख़त्म होते जा रहा है। तो ऐसे दौर में क्यों इस लड़ाई में उन हर मुद्दों की बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि शाहीनबाग बार बार नहीं आते हैं दोस्तों, शाहीनबाग ऐसे दरारों में पैदा होते हैं जो दरारें उन पीड़ितों पर और शोषण करने की कोशिश कर रही हैं, और क्योंकि अब उठ खड़ी हो रही हैं महिलाएं और बोल रही हैं कि बस बहुत हुआ अब शोषण, कि अब दरार हम क्रिएट करेंगे, हम बनाएंगे, जिसमें एक ऐसे देश की समझ है जहां हर समुदाय का इंसान मुंह उठाकर उस मार्केट में जाकर सामान खरीद सके जहां से कोई भी अलग दूसरे समुदाय का इंसान खरीद पाए, और उस सारी चीज़ को जो है बचाने की लड़ाई ये शाहीनबाग से शुरू हुई है, जो सिर्फ यही नहीं हमारे यूनिवर्सिटी के उन क्लासेस में, जो कि बहुत ऐसा स्पेस है साथियों जहाँ आज मैं भी हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन इससे आने से पहले मैंने बहुत सारा ट्रांसलेशन निकाला, कि क्योंकि सब कुछ अंग्रेज़ी में, अंग्रेज़ी में पढ़ के अंग्रेज़ों को गाली देने का एक चलन है अकेडमिया, तो जो भी ये एमफिल पीएचडी करता है सब लोग अंग्रेज़ी में पढ़ेंगे, हर चीज़ अंग्रेज़ी में पढ़ेंगे, पर गाली देंगे पश्चिमी चिकित्सा को, पश्चिमी एजुकेशन को, जो भारत में इस तरीके के मोड़ पे आई। अब उसमें गलत सही मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जानने की ये ज़रूरत है कि हम किस तरीके का राष्ट्र चाह रहे हैं अपने लिए, और चाह रहे हैं तो किन तरीक़ों की दरारों को और बड़ा करना है और किन तरीक़ों की दरारों को बिल्कुल ख़त्म करना है, कि महिला खुलेआम घूम पाए, कि कोई भी ट्रांस किसी को सर्जरी ना करानी पड़े, कि कोई भी दलित किसी भी अपनी शादी में घोड़ी पर चढ़ पाए, कि वो कैफ़े में बैठ के एक सवर्ण महिला के साथ मिल पाए, उन सभी की राजनीतियों का ये एक बड़ा दौर है जो शाहीनबाग हमें दे रहा है, और इसी को बहुत बहुत ज़रूरत है उन सारे मसलों को समझने के लिए जो बहुत बारीकी से ये सरकार खेल रही है, जो समाज को भी शायद समझ नहीं आ रहे हैं, कि अब जब मैं घर जाता हूँ तो मेरे घर वाले कुछ बोलते हैं, मतलब कुछ भी बोलते हैं जिसका कोई कि हमें नहीं अफेक्ट करेगी, लेकिन हम कागजात भी नहीं देंगे, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इतने दिनों से कि कोई कागजात नहीं देगा, तो कागजात भी नहीं देंगे लेकिन शाहीनबाग भी नहीं आएंगे। ये जो समाज का जो ढांचा है, ये जिस तरीके का परिवार समाज का एक बड़ा हिंदुत्व ब्राह्मणवादी जो सोच को, जो ढांचे को बचाने की कोशिश किए जा रहा है, उसके खिलाफ ये पुरजोर लड़ाई है, और ये लड़ाई सिर्फ नागरिकता तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि जिन मंचों से छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी लड़कियाँ इनकलाब जिंदाबाद के नारे दे रही हैं, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मुझे खासकर इनकलाब का नारा बहुत ही जो है एज में लेट पता चला, 3 साल पहले कुछ जब हम JNU आए, उससे पहले जीवन में दिल्ली विश्वविद्यालय में ही पढ़े लेकिन कभी ये नारा ही नहीं था, क्योंकि हम वो पश्चिमी चिकित्सा के कोर्स पढ़े,
जिसमें इस तरीके की सारी बीमारियां बनाई जा रही हैं। आप देखिएगा, बहुत सारे जो मेरे संगी दोस्त थे और अब वो थे हो गए हैं, उनसे जब बात होती थी तो वो कहते थे कि हिजाब बीमारी है कि, और ये बहुत, मैं उस पर नहीं कह रहा हूँ कि हिजाब क्या है क्या नहीं है, वो तो मसला ही अलग है कि औरतें चाहती हैं पहनना पहनेंगी, लेकिन जो यूज़ हो रहा है बीमारी का, वो कितना अंग्रेज़ी शब्द है, क्योंकि ये बीमारी कभी भी अंग्रेज़ों से आने से पहले के साम्राज्यों में यूज़ हुई नहीं इंसानों के लिए। तो ये बहुत नया है कि किसी भी जो तुम्हें नॉर्मल नहीं लगता उसको बस बीमारी कह के हटा दो, और इजी है कि बस बोल दो, उसके बाद तुम्हें कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सामने वाला खुद से ही समझ लेगा बीमारी होती क्या है। और यही मैं बार बार, और क्यों मैं आज अटैक कर रहा हूँ उस चिकित्सा प्रणाली को, इसलिए भी क्योंकि वो मेरी रिसर्च है, और इसलिए भी क्योंकि उसका बहुत बड़ा हमारे समाज पे एक तरीके का एक जो है एक घूंघट सा फैल गया है, एक चादर ढकी गई है कि उस चादर के पीछे हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन शाहीन बाग की वो छोटी छोटी बच्चियाँ जो इनकलाब के नारे दे रही है उससे वो चादर फट रही है साथ में। और क्योंकि वो चादर में जो है छेद होते जा रहे हैं, चादर फटती जा रही है, तो अब कोई संगी दोस्त मेरा आकर, अब तो डरते बहुत है मुझसे, पर आकर ये नहीं बोलेगा कि क्या बीमारी है या तुम बीमारी हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अपने दोस्तों को, जो मेरे से अलग दोस्त हैं मेरे दोस्तों के, उन्होंने यही बोला होगा कि कौशल भी बीमार हो गया है, क्योंकि एक समय तक तो वो भी पैंट शर्ट ही पहनता था। तो ये कपड़ों की आइडेंटिफिकेशन की जो बात मोदी करता है, वो सिर्फ मोदी कहीं आरएसएस की राजनीति से सीख के नहीं कर रहा है साथी, कि समाज में एक बहुत बैठी हुई सोच है कि तुम देखते ही पहचान लोगे क्या दिक्कत है, और दिक्कत है फिर सरकार तो है ही सबको सही करने के लिए, तो कभी वो ट्रांसजेंडर एक्ट जैसे कानून बनाएगी, कभी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून बनाएगी, कभी वो जो है पूरा चीज़ हटाकर तुम्हारी नागरिकता ही छीन लेगी, वो तुम्हें इतना बीमार कर देगी कि तुम वोट डालने के काबिल नहीं हो। और वो ये नहीं समझ रही है कि जो सरकार का जो ये सेटअप है, जो ये स्टेट इतने सालों एक इलेक्शन होकर एक प्रधानमंत्री को ला पाया है, उसमें इन सब बीमार व्यक्तियों का बहुत बड़ा जो है योगदान है, और उस योगदान को बिल्कुल नकारने की कोशिश है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसीलिए यहाँ जो साथी बोल भी रहे थे अभी मुझसे कि सिर्फ CAA की बात करो, साथियों CAA की बात जब करें, अगर सरकार ने भी CAA में ये पिछले सारे काले कानूनों को ला दिया होता और वो जान पूछ के नहीं लाई है, क्योंकि उनको पता है, वो चाहते नहीं है कि ये सारे दिख जाए, कि तुम CAA का कानून पढ़ो और तुम उसमें पढ़ लो कि मुसलमानों को हटाया जाएगा, उनसे उनकी नागरिकता छीनी जाएगी, या दलितों पे ये होगा या ट्रांस पे ये होगा, नहीं, उन्होंने अलग अलग कानून बनाए हैं हर चीज़ के। अब उन अलग अलग कानूनों को इस कानून के साथ जोड़ के जो है हम समझ पाएंगे इस समाज का ढांचा, वरना सिर्फ अगर एक एक कानूनों के लिए साथियों लड़ाई होती रहती तो जितने भी लोग जो यहाँ जमा हैं वो सभी ना तो एक तरीके की राजनीति करने में सक्षम है, ना करना भी चाहते, लेकिन वो आए इसलिए हैं क्योंकि उनको पता है कि जो आखिरी चोट भारत के इस डेमोक्रेसी पे जो लगनी थी वो CAA से इस सरकार ने लगाई, कि अगर अब भी नहीं बोलेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, और अब बोलेंगे कैसे, जो मॉडल शाहीन बाग ने दे दिया कि ये मॉडल है पूरे देश के लिए है, हर जगह बैठ जाइए, हर जगह छोटे छोटे बच्चे इनकलाब जिंदाबाद के नारे दे रहे हैं। और हमें आज एक चीज़ तो मुझे पता है कि मान लो ये सरकार दोबारा भी चुनकर आ गई 5 साल के लिए, मान लो ये इम्प्लीमेंट हो भी गया किसी भी तरीके से, लेकिन जो छोटे बच्चे आज इनकलाब के नारे दे रहे हैं वो उन दरारों को जारी रखेंगे उस समाज के बड़े ढांचे में,
जो किसी भी तरीके के शोषण के लिए जगह बनाता है। धन्यवाद सर। शुक्रिया कौशल। आप में से किसी का कोई सवाल हो, क्योंकि अभी यहाँ पे काफी लोग सवाल खड़ा कर रहे थे, तो बाकी लोगों में से किसी का यहाँ पे जो सवाल है वो सवाल अपना पूछ सकते हैं। मगर सवाल प्लीज छोटा रखिएगा, क्योंकि हमारे दूसरे स्पीकर भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। चलिए हम अभी अपने दूसरे स्पीकर को बुलाते हैं।